ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जो कि वाक सिद्धि के लिए है। माँ बगलामुखी और माँ सरस्वती, ये ही दो देवी ऐसी हैं जो आपको वाक सिद्धि दे सकती हैं। मतलब आप जब बोलना शुरू करें तो आपके सामने कोई टिक ना पाए और आपकी वाणी में एक ऐसी मधुरता आ जाए, एक ऐसा तेज आ जाए कि बस आपने एक बार बोल दिया वही सत्य है, ऐसा लगेगा लोगों को। तो वाक सिद्धि के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको एक आज मंत्र बताऊंगा। उसको आपने 1008 की संख्या में आपको पूर्णिमा की रात में हवन करना है। इससे आपको इस मंत्र से हवन करना है, माँ भगवती को प्रसन्न करना है। इसके बाद आप जो भी कहेंगे दुनिया को वो सच ही लगेगा, चाहे आप झूठी कहें। लेकिन अगर आपने किसी से बात कर ली और वो जो सामने वाला है वो जो भी होगा वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा। ये ज़्यादातर मंत्र जो है ये वाक सिद्धि के लिए है, लेकिन इसको और बहुत से स्थानों पर काम में लाया जा सकता है। जैसे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि हमारी कोई बातें नहीं सुनता, ऐसा है वैसा है। तो आप वाक सिद्धि अगर कर लेते हैं इस मंत्र की सिद्धि करने के बाद, आप जो कहेंगे सामने वाला आंख मूंद कर सुनेगा। एक बार इसकी सिद्धि हो जाए इसके बाद आपकी बात कोई टाल ही नहीं पाएगा। दूसरा ये मंत्र है उनके लिए जो संगीत में अपना नाम कमाना चाहते हैं। संगीत में चाहे कोई वाद्य यंत्र हो वो बजाना चाहते हो, या फिर गाना गाना चाहते हो, सिंगिंग करना चाहते हो, उन सब के लिए भी ये मंत्र अचूक है। अगर इसकी सिद्धि आपने कर ली तो आपके गाने दुनिया सुनेगी ही सुनेगी। दूसरा होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना हो, ना आ रहा हो, तो आप इस मंत्र की सहायता ले सकते हैं। और संगीत के क्षेत्र में ये मंत्र बखूबी काम करता है। आप इस मंत्र से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई ये तो सिर्फ नमूना है, इसके बाद अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि माँ भगवती जो हैं ये देवी हैं ज्ञान की, और इस धरा पर जिसके पास ज्ञान है उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। आप एक बार इस मंत्र को ज़रूर प्रयोग करके देखें। करना कुछ भी नहीं है, बस जब भी पूर्णिमा हो, महीने में एक बार आती है, आप उस दिन इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। हवन नहीं करना कोई बात नहीं, आप जाप करना भी अगर शुरू कर देंगे तो भी इसके लाभ मिलेंगे। अगर जो हवन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, आम की लकड़ी लीजिए, कोई अपना आसन बनाइए, किसी भी चीज़ का आसन बना लीजिए, और हवन कुंड में आपको आम की लकड़ियाँ रखनी है, और जो हवन सामग्री मिल जाती है, आम जो दुकानों में मिल जाती है उसको ले लीजिए। अब इसको आपने हवन करना है जितना पॉसिबल हो सके आपसे, ज़रूरी नहीं कि इतना ज़्यादा करो, 100 हो गया, 200 हो गया, जितना आप कर सको, यथासंभव जो भी संभव हो। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए उनसे याचना कीजिए, उनसे उनको प्रसन्न कीजिए किसी भी तरह से। चाहे तो आप मिष्ठान रख सकते हैं, नवेद रख सकते हैं, और गूगल लोबान ये सब जलाकर भी आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बार ये शक्ति, ये जो देवी हैं, ये प्रसन्न होगी आप पर, तो यकीन मानिए दुनिया में आपके जैसा कोई भी वाक सिद्धि वाला होगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी दे सकती है आपको। इसके बाद आपका दिमाग चलेगा नहीं, दौड़ेगा। आप एक बार ज़रूर कीजिएगा इसको। धन्यवाद।